हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेली रिजल्ट में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट कैसे चेक करना है, पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, अभी रिजल्ट आपको बता दें, रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। एक न्यूज कल से वायरल हो रहा है कि रिजल्ट जारी कर दिया गया है, 28 मार्च को रिजल्ट जारी होगा। और मतलब कहाँ से ये फेक न्यूज चला था, सब सारा डिटेल बताऊँगा और संसद बताऊँगा जब भी रिजल्ट आएगा। तो आप कैसे अपने रिजल्ट चेक करेंगे, पूरा प्रोसेस अभी से ही मैं बता दूंगा आपको, ताकि आपको जब भी रिजल्ट आए तो आप आसानी से अपना रिजल्ट चेक कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से वीडियो को जाइए और वहाँ पर आप लाल बटन में सब्सक्राइब बटन दबाइए, ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर आपको सर्च का क्या करना है, dailyresult.in सर्च करना है। dailyresult.in सर्च करने के बाद आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, ताकि आपको यहाँ पर सारा जानकारी मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आपको न्यूज़ बता दें जो न्यूज़ कल था। देखिए, यहाँ पर दिया गया बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट की अफवाह। देखिए, दिल्ली के कुछ वेबसाइटों ने शनिवार को अचानक अफवाह उड़ा दी कि बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट जारी करने वाला है, ठीक है। 28 मार्च को बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट जारी करने वाला है। इसको लेकर पटना से लेकर के दिल्ली तक फ़ोन यहां पर होने लगे, सभी लोग यहां पर जानकारी जुटाने लगे क्या सचमुच में यहाँ पर रिजल्ट आएगा। देखिए, शनिवार को अचानक अफवाह उड़ा कि बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट जारी करने वाला है। इसको लेकर पटना से दिल्ली तक के फ़ोन मीडियाकर्मी के पास आने लगे, ठीक है। सभी मीडिया वाले सतर्क हो गए कि शायद हो सकता है रिजल्ट आए। लेकिन देखिए, जब दैनिक जागरण ने बिहार बोर्ड से इस संबंध में बात की तो पता चला कि अभी कापियों की जांच, यहाँ पर देख सकते हैं कापियों की जांच जो है अभी बाकी है, अभी कापी पूरा चेक नहीं हुआ है। देखिए, कापियों की जाँच बाकी है, मैट्रिक रिजल्ट के प्रकाशक में भी अभी देरी है, मतलब जो रिजल्ट है अभी यहाँ पर जारी नहीं होगा। देखिए, 31 मार्च तक, तो सबसे पहले ये जरूरी बात न्यूज है कि 31 मार्च तक कापी, अभी जो लॉकडाउन है 31 मार्च तक कॉपी का चेक जो होना है बंद हो गया है। लगभग यहाँ पर 1 लाख कॉपी के आसपास यहाँ पर कॉपी जांच होना अभी बाकी है। तो देख सकते हैं, यहाँ पर आगे पढ़ते हैं, बोर्ड ने छात्रों अभिभावकों से अपील की है, झूठी खबर भरोसा न करें, रिजल्ट जारी होने से पहले मीडिया को सूचना दी जाएगी, ठीक है। रिजल्ट जो भी जारी होता है तो मीडिया को पहले बताया जाता है, उसके बाद मीडिया अपना जो भी न्यूज़पेपर या फिर चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करते हैं, ठीक है। तो आप हमारे चैनल के साथ भी जुड़े रहिए, ताकि हर पल पल की जानकारी मिलता है बिहार बोर्ड के रिजल्ट कैसे आएगा, ठीक है। देखिए, जब भी रिजल्ट आया तो वो बात का बात है, कैसे आपको चेक करना है पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर आ जाना है dailyresult.in वेबसाइट, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप जहाँ कमेंट करते हो वहाँ पर भी हम दे देंगे, ठीक है। dailyresult.in सर्च करने के बाद आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, और आने के बाद यहाँ पर नीचे में आएंगे तो आपको एक बिहार कॉर्नर का यहाँ पर सेक्शन मिलता है, ठीक है। बिहार कॉर्नर स्पेशल बिहार के स्टूडेंटों के लिए बनाया गया है, जिसमें जितने बिहार के गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटेक्निक, ITI, सब यहाँ पर आपको पोस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर अप्लाई भी कर सकते हैं। देखिए, रिजल्ट कैसे चेक करना है, बिहार बोर्ड 10th मैट्रिक रिजल्ट यहाँ पर मिला है, कमिंग सून में है, मतलब कि अप्रैल में हो सकता है रिजल्ट आपका आ जाए। अप्रैल में हो सकता है, अप्रैल में आने ही वाला है, ठीक है। अप्रैल से ज़्यादा नहीं जाएगा, लेट नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे मैट्रिक रिजल्ट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे जाना है, और नीचे में जाएंगे तो आपको एक क्लिक हेयर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो ये अगला पेज ओपन होगा, ओपन होने के बाद यहाँ पर नीचे में जाते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, और देखिए 12th का रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर होगा, 12th का रिजल्ट आ गया है। अगर आपने चेक नहीं किया तो इस पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। 10th का रिजल्ट जो है, देखिए, एक्सपेक्टेड फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल दिया है, तो इस क्लिक हेयर का ऑप्शन जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर रोल नंबर, रोल कोड डालने के लिए देगा, तो आप वहाँ पर डाल करके अपना चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा। देखिए, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं और अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाकर के जुड़ सकते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियो नोटिफिकेशन को मिलता रहे।